नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाई नेक कुर्ती का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाने का आसान सा तरीका। सबसे पहले साइज़ जान लेते हैं। जो हमने साइज़ यहाँ पे कटिंग किया है, ऊपर से रखा हुआ है 20 इंच। यहाँ पे हमने आर्म होल कटिंग किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 8 इंच तक, और जो शोल्डर कटिंग किया है वो भी हमने यहाँ पे 8 इंच कटिंग किए हुए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे हाले की कटिंग करनी होती है। तो ये फ्रंट बैग है, हाले की कटिंग के लिए जो ब्रॉड लेंथ का निशान लगाते हैं 2.5 इंच पे लगाते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से डीप लेंथ लगाएंगे 3.25 इंच तक, और यहाँ पे सिंपल सी इस प्रकार की शेप देंगे और इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब 1/2 इंच का ऊपर की साइड निशान लगाएंगे मार्जिन का, और यहाँ से हम डीप लेंथ रखेंगे तो हमें 8 से 8.5 इंच यहाँ पे नेक रखना है, और यहाँ पे वी कट डालना है इस तरीके से। तो हम बुकरम लेंगे, एक बुकरम की पट्टी ली है, इसकी जो चौड़ाई है हमारी 3 से 3.5 इंच की होनी चाहिए। इसको हम यहाँ पे डबल कर लेंगे इस तरीके से, डबल करेंगे और यहाँ पे इतनी ही दूरी पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले तो इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और हल्की सी ये गोलाई डाल देंगे, और इतनी ही जितना हमने यहाँ पे कट डालना है उतना ही यहाँ पे निशान लगाएं ऐसे, और इस निशान को इस पॉइंट तक यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इस निशान को इस निशान से यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, और बाहर की साइड भी हमने बिल्कुल बराबर यहाँ पे निशान लगाना है, जितना भी आप रखना चाहें। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसकी जो चौड़ाई है ये 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखेंगे। तो ये देखिए वी कट वाली हमने यहाँ पे ये पट्टी कटिंग कर ली है, इस तरीके से आएगी, और इसी में हमारी यहाँ पे पाइपिंग आएगी। ये है हमारे पास पाइपिंग, जो हमें गले बाजू चाक में लगानी है। पूरे में 4 से 4.5 मीटर पाइपिंग लगती है। इस पट्टी को हम चिपका लेते हैं कपड़े के ऊपर। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ये पेस्ट कर ली है, और बाहर वाला जो कपड़ा होता है ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें सबसे पहले लगानी है यहाँ पे बाहर की साइड में पाइपिंग। पाइपिंग लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे फ्रंट में, और यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इस तरीके से इसको सीधी साइड में पलट लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड में पाइपिंग लगाते हुए और सेंटर में पाइपिंग लगा ली है। इस तरीके से हमारी ये पट्टी यहाँ पे तैयार हो जाती है।
इसके बाद ऊपर की साइड हमें कॉलर लगाना है, और यहाँ पे जितनी भी हमारी नेक लाइन की लेंथ होती है, जैसे हमने 8.5 इंच रखना है तो 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और ये निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पे इतनी ही चौड़ाई वाली एक पट्टी लेनी है, और नीचे से इसको रखते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको रखना है ऐसे, और इसको स्टिच कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये देखिए सेंटर का जो गैप है हमने यहाँ पे कर दिया है बंद। सेंटर का गैप बंद करने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर जोड़ लेते हैं। तो ऊपर से जो कंधी है हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे शोल्डर जो है जोड़ लिए हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद अब लगाना है हमें यहाँ पे कॉलर। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि हल्का सा आपने इस तरीके से कटिंग करनी होती है। कॉलर कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे ये बुकरम ली है जिसमें से हम कटिंग करेंगे। हमें कॉलर का जो साइज रखना है 15 इंच रखना है 15 इंच, तो हम 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे। टोटल हमारी 2.5 इंच की पट्टी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे 3 इंच पर, और इस पॉइंट से हम यहाँ पे ये वाला निशान 1 से 1.25 इंच पर लगाएंगे। इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से हल्की सी राउंड शेप देते हुए ऐसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से आपने शेप देनी है जो कि आपकी कॉलर की गोलाई होती है आगे की, और जितना चौड़ा आप कॉलर रखना चाहें उतना रख सकते हैं। 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए हमारा, ये ध्यान रखें। और इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इन्हीं निशानों पे। ये देखिए कॉलर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इस कॉलर को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे ये कॉलर जो है पेस्ट कर लिया है, और इस साइड का जो नोक वाली साइड होती है उधर का आपने यहाँ पे कपड़ा ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब हमें तैयार करने के लिए नीचे की साइड एक कपड़ा रखना है यहाँ पे इस तरीके से, इसी साइज का हो, थोड़ा एक्स्ट्रा हो। और यहाँ से हम सिलाई की शुरुआत करेंगे नोक से। हल्का सा नोक पे एक टांका छोड़ते हुए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे दूसरी साइड में लाते हुए यहीं पे इस कंप्लीट करेंगे सिलाई को। तो ये देखिए हमने कॉलर जो है तैयार कर लिया है, इस तरीके का हमारा यहाँ पे कॉलर आएगा। और जब हम इसको तैयार करते हैं तो इस साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं, सिर्फ हमें एक पैर का यहाँ पे मार्जिन रखना है। ये पॉइंट देख रहे होंगे आप, एक पैर का मार्जिन रखना है, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट का एक निशान लगा लेना है। ऊपर की साइड भी हम निशान चौक से यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हल्का हल्का इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। पेन से लगा ले चाहे आप निशान चौक से लगा लें, इससे हमें मार्जिन का पता रहता है कि हम मार्जिन यहाँ पे कितना ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे निशान लगा लिया है, ये सेंटर पॉइंट है। अब हम कॉलर को ज्वाइंट करेंगे कमीज में। कॉलर ज्वाइंट करने के लिए आपने कमीज को इस तरीके से रखना है, ये हमारे पास फ्रंट है, ये बैक साइड है, सीधी साइड ऐसे रखना है। और यहाँ से हम इस तरीके से इसको ऐसे उठा लेंगे हल्का सा, और यहाँ से कॉलर स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट करना ऐसे। अब जो हमारा ये निशान है यहाँ पे, ये आपने ध्यान देना है, इससे अंदर की साइड हमारा एक टांका आना चाहिए अंदर वाली साइड में। और इसी तरीके से हम यहाँ पे सेंटर का ध्यान रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए कॉलर जो है हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। अब जब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे तो इस तरीके से हमारी फिनिशिंग आएगी,
ये मार्जिन हमारा अंदर की साइड चला जाएगा और इस तरीके से पूरी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे कॉलर जो है तैयार कर लिया है और आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा यहाँ पे ब्यूटीफुल सी शेप आई है। और यहाँ पे हमने पाइपिंग का काम करते हुए एक नेक डिजाइन तैयार किया है। नीचे की साइड यहाँ पे पट्टी लगाई है और पूरी नेक डिजाइन हमने यहाँ पे कॉलर वाली आपको बना करके ज्वाइंट करके दिखाई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।